Hello friends, how are you all? Welcome to my channel Miracles of Krishna. This is Tanu Gupta from Meerut. Friends, आज का मेरा टॉपिक है What is affirmations? Affirmations क्या है? But आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए, वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें. फ्रेंड्स, अफर्मेशंस ये बहुत ही पावरफुल हैं और हमारी लाइफ पर इसका बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है. ऐसे सेंटेंसेस जो हम बार बार बोलते हैं, अफर्मेशंस का मतलब है ऐसे सेंटेंसेस जो हम बार बार बोलें, बार बार यूज़ में लाएं, बार बार उनके बारे में सोचें. वो वैसे ही हमारे माइंड पर, हमारी बॉडी पर इफ़ेक्ट डालने लगती है. जैसा हम सोचते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो सब चीज़ें होने लगती हैं, वैसा ही हम बन जाते हैं. जैसे कहते हैं ना कि जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हम बनेंगे. अगर हम अच्छे काम करने के लिए सोचेंगे तो ऑब्वियसली अच्छे माइंड में थॉट्स आएंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी अपने आप. ये सब अपने आप ही नेचुरली होता है. आपकी इनर फीलिंग्स जो हैं वो पॉजिटिव होंगी, पॉजिटिवली आपके माइंड में कुछ अच्छा करने के लिए निकलेगा. बट सेम ऑन द अदर हैंड, अगर आप नेगेटिव सोचोगे, आपको लगेगा कि नहीं ऐसा करना है, और उसमें आप नेगेटिव एनर्जी को ही अट्रैक्ट कर पाओगे. फ्रेंड्स, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हमारे साथ होने लगता है, वैसे ही हम बन जाते हैं. हमारा माइंड वो सब चीज़ें कैच करता है, हमारी वाइब्रेशंस यूनिवर्स तक पहुँचती है. फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आपको कोई ये बोले कि यू आर टैलेंटेड, तो आप जब ये सुनेंगे वर्ड्स तो कितना अच्छा फील होगा ना. आप के अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी, आपको लगेगा कि हाँ मेरे में टैलेंट है. बट अगर कोई, कुछ लोग होते हैं ना डीमोटिवेट करते हैं और बोले कि तुमसे कुछ नहीं हो सकता, यू कान डू एनीथिंग, यू आर गुड फॉर नथिंग, कितने नेगेटिव सेंटेंसेस है ना. इन वर्ड्स को सुनकर ऑब्वियसली नेगेटिव एनर्जी ही आएगी, एनर्जी हम फील करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे. उस इंसान ने तो आपसे कह दिया, अब वो चला गया, बट वो आपके माइंड में घूमता रहेगा. बार बार आप उसके बारे में सोचेंगे कि उसने मुझे ऐसा बोला था. तो फ्रेंड्स, आप जितना उसको सोचोगे वैसे आप खुद, उसने तो एक बार कहा, आप उसे 10 बार सोचोगे, 20 बार सोचोगे, इससे क्या होगा कि आप अपने आप को बना लोगे. उसने कहा, आपने उसको अपने माइंड में सेव किया और आप बार बार रिपीट करोगे. अफर्मेशंस यही तो है, बार बार कोई चीज़ को आप रिपीट करते हो तो वो हमारी सोच, हमारी जो थॉट्स है वो वैसे ही बन जाते हैं, हमें बना देते हैं. इसलिए हमें ऐसे लोगों को अवॉइड करना चाहिए, नेगेटिव थिंकिंग को अवॉइड करना चाहिए, थॉट्स को अवॉइड करना चाहिए. और आपके आसपास नेगेटिव लोग हैं उनको आप अवॉइड करें, जिससे कि आप डीमोटिवेट ना होए, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना है. आप खुद से बोलो, आप अपने लिए खुद रोजाना वर्ड्स बोलो, ऐसे सेंटेंस बोलो जिसमें वो फुल ऑफ पॉजिटिविटी हो, उसमें आपको फील अच्छा आए. जैसे आई एम अ वेरी गुड पर्सन, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ. आई कैन डू एवरीथिंग, मैं सब कुछ कर सकता हूँ. आई एम वेरी कैपेबल, इस तरह के सेंटेंस बोलो. आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी, पॉजिटिव एनर्जी को आप अट्रैक्ट करोगे, वैसे ही बन जाओगे. जितना हो सकता है नेगेटिविटी से दूर रहो, उसको सोचो भी मत. करने की तो दूर की बात है, आप सोचोगे भी, एक्शंस तो तब आते हैं, करते हैं ना जब हम सोचते हैं. हमारे माइंड में थॉट आता है कि हमें ये करना है, तभी तो हम सोचते हैं कि हम एक्शन लेते हैं. तो जब वो थॉट ही नहीं आएगा नेगेटिव, तो हम कुछ गलत भी नहीं करेंगे. ओके फ्रेंड्स, तो जितना हो सके पॉजिटिव अफर्मेशंस दीजिए, रोजाना ऐसे सेंटेंस बोलिए जिसमें आपको फील अच्छा आए और आप मोटिवेटेड होएं, डीमोटिवेटेड नहीं. ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही. मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक यही कहूँगी कि अपना ध्यान रखें, एफर्ट्स करते रहें और अपने आप को खुद भी मोटिवेट करें. Trust in God and do the right. Bye-bye.